90 के दशक में बनी अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे में विलेन रॉकी का किरदार अदा करने वाले आरिफ खान अब पिछले 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर इस्लाम के आदर्शों के मुताबिक सीधी सादी जिंदगी गुजार रहे हैं। फूल और कांटे के बाद कुछ फिल्मों में काम करने के बाद आरिफ खान विश्वव्यापी धार्मिक संस्था तबलीगी जमात के संपर्क में आ गए। तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद आरिफ खान ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने देश विदेश के विभिन्न जगहों पर जमात में जाकर धर्म के ज्ञान को सीखा और सभी मुसलमानों को इसके मुताबिक जीवन यापन करने का संदेश देते रहे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में वे अक्सर जमात में आते रहते हैं। औरंगाबाद की जामा मस्जिद में उनके कई बार बयान प्रवचन हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्होंने उसके जरिए जो पैसा कमाया था वे सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर आर्थिक तंगी के हालत भी आए। औरंगाबाद जिले के इजतेरमा में मुंबई से आकर उन्होंने दो बार ज्यूस सेंटर चलाया। हमने खुद उनसे 10 रुपए में ज्यूस खरीदा था। ऐसे परेशानी के हालत के बावजूद वे एक धर्म के इस काम में लगे रहे। अब फिलहाल पुणे में कपड़े की दुकान चलाते हैं और अब उनके आर्थिक हालत भी अच्छे हो गए हैं। धर्म के लिए एक ग्लैमरस फील्ड को छोड़ सीधी सादी धार्मिक जिंदगी गुजारने का ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है।